नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कंपैरिजन। दोस्तों मैंने इस टॉपिक पे पहले भी बहुत बार बात की है कंपैरिजन पे। दोस्तों क्यों हम उस चीज़ों पे कंपेयर करते, क्यों हम लोगों के साथ कंपेयर करते हैं कि एक चीज़ तो हमारे पास नहीं है लेकिन सामने वाले के पास वो चीज़ है। क्यों हम बार बार उन चीज़ों पे कंपेयर करते, उन लोगों के साथ कंपेयर करते, क्यों? दोस्तों हर एक इंसान को सामने वाले से बेहतर बनना है, सामने वाले से एक फील्ड में बेहतर बनना है, या सामने वाले के पास जो चीज़ है वो चाहिए होती है और बार बार वो अपने आप को सामने वाले से कंपेयर करते रहता है। समझो अगर सामने वाला एक फिटनेस ट्रेनर है या एक न्यूट्रिशनिस्ट है और आप समझो किसी और फील्ड में होशियार हो, आप मैथमेटिक्स में होशियार हो, आप मैथ इजीली सॉल्व कर देते हो लेकिन सामने वाला वो चीज़ नहीं कर पा रहा, ओके? लेकिन आप देखो कि आपके फ्लॉज और उसके जो अच्छे चीज़ है, दैट इज वो एक न्यूट्रिशनिस्ट है तो उसे जो भी न्यूट्रिशन के बारे में पता है, जो भी फिटनेस के बारे में पता है, आप उसे देखोगे और जब आप उस चीज़ों को देखोगे, उन चीज़ों को देखोगे उसके पास कितनी नॉलेज है, एंड यू विल ट्राई टू कंपेयर योरसेल्फ। लेकिन आपका जो प्लस पॉइंट है वो अलग है, ओके? लेकिन जब वो आपको देखेगा वो सोचेगा ये मैथ्स में कितना होशियार है, ओके? सो हर कोई जो अपने पास नहीं है उन चीज़ों को देखता है सामने वाले के पास और अपने आप को सामने वाले के साथ कंपेयर करता रहता है। लेकिन जैसे आपको बताया कि हर किसी की एक स्पीड होती है, हर किसी को एक चीज़ में मास्टरी होती है, और अगर आपने उस इंसान को किसी और टैलेंट के बेसिस पे कंपेयर करना चाहा, देन ही माइट बी लुक एज अ फेलियर, बट वो अपने फील्ड में होशियार होता है। सो अगर आप किसी को कंपेयर कर रहे हो या आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, यू डोंट नीड टू कंपेयर इट विद अदर्स। आपको किसी और के साथ कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। You need to compare yourself with yourself. ये आप कैसे करोगे? दोस्तों कल आप क्या थे, ओके? कल आप क्या थे, आज अगर आप उससे बेहतर हो, then it's a successful comparison, ओके? क्योंकि जब भी आप सामने वाले के साथ कंपेयर करोगे आप उससे बेहतर कभी नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि वो अपने फील्ड में होशियार है, ओके? आपने कंपेयर किया कि उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसे उसकी फील्ड की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ओके? शायद वो एक चीज़ में मास्टर हो, आप उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको कंपैरिजन करना ही है तो अपने साथ करो, अपने आप से करो। अपने आप से जब आप कंपेयर करोगे अपने पास से कि 5 साल पहले मैं ये था और आज मैं ये हूँ, 10 साल पहले मैं ये था आज मैं ये हूँ, अगर आपने उस बेसिस पे कंपेयर किया, आई एम श्योर यू आर गोना विन इन लाइफ, विन इन लाइफ। क्योंकि हर एक की एक फील्ड होती है, एज एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड दैट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी ऑफ क्लाइंबिंग अ ट्री, इट विल स्पेंड इट्स एंटायर लाइफ थिंकिंग इट्स अ फेलियर, ओके? यानी अगर आपने एक फिश को जज किया उसके उस एबिलिटी पे जो उसकी एबिलिटी है ही नहीं, यानी फिश की एबिलिटी क्या है, दैट इज तैरना, और अगर आपने उसे कंपेयर किया कि वो किस तरह से पेड़ पे चढ़ती है, she will think she is a failure. So आपको ये नहीं करना है, ओके? आपको अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना, क्योंकि शायद उसकी फील्ड कुछ और हो, उसका टैलेंट कुछ और हो, और शायद आपका टैलेंट कुछ और हो, और इसीलिए यू नीड टू कंपेयर योरसेल्फ विद योर पास्ट, बिकॉज your goal should not be to be better than anyone else, it should be to be better than what you used to be. Is baat ko hamesha aapko yaad rakhna hai ki aapko kisi aur se behtar banne ki koi zarurat nahi agar aapko jeetna hai life mein. Agar kal aap yahi the aaj aap yahi ho aur agle kuch 10 saal baad bhi aap yahi ho, you need to work on it, you need to compare yourself. Comparison is good अगर वो अपने आप से की जाए, एंड इट्स बैड अगर वो किसी और के साथ की जाए। ऑलवेज रिमेंबर दिस गाइस, कंपेयर योरसेल्फ विद योरसेल्फ एंड वर्क फॉर अ बेटर फ्यूचर, दैट्स इट फॉर द वीक।